हाय एवरीवन, फिलहाल मैं आया हूँ उज्जैनता पैलेस, जो कि यहाँ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर है। एक टाइम में शायद ये पैलेस रहा होगा, खैर आज भी ये पैलेस है, पर फिलहाल ये एक म्यूजियम बन चुका है। इसका इस्तेमाल एज अ म्यूजियम होता है। ये जो पैलेस है ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1899 से 1901 के बीच में बाय अ किंग नेम राधा किशोर मानिक्या देव रामा। और ये पैलेस दो सबसे खूबसूरत लेकों के बीच में है। ये जो पैलेस मेरे सामने है, इसके लेफ्ट साइड में एक लेक है और इसके राइट साइड में एक लेक है। वैसे गाइस, इस जगह को 1972 से 1973 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने खरीद लिया था, और जो प्राइस पे किया था वो ₹2.5 मिलियन था 1972 के टाइम में। तो कितनी बड़ी रकम दी गई थी इससे वो खरीदने के लिए। फिलहाल चलते म्यूजियम के अंदर, नॉट श्योर कैमरा अलाउड है कि नहीं है, अंदर चल के देखते हैं। सो गाइस, जस्ट म्यूजियम के बाहर आया हूँ मैं अभी, और बहुत ही अमेजिंग म्यूजियम है। सो म्यूजियम के अंदर आपको पूरा त्रिपुरा दिखता है, मतलब त्रिपुरा के अंदर जितनी भी ट्राइब्स है, जितनी भी जगह घूमने वाली आपको वो सब दिखती है। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर पूरा त्रिपुरा घूमना हो कुछ घंटों के अंदर, कम टू दिस म्यूजियम, आप पूरा त्रिपुरा घूम सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द म्यूजियम अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कुछ फुटेज नहीं ले पाया। एक लेक उस तरफ कहीं पर है, एक लेक हमारे जस्ट सामने है, ये देखो। और इस लेक के जस्ट हल्का सा घूमते ही सामने हमारा पैलेस है। It looks beautiful, isn't it? So guys, म्यूजियम में घूमने के बाद, और वहाँ पे एक नाइस सी लेडी थी जिन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो काफी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि जैसे मैंने पहले बताया कि विकिपीडिया पर लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जगह खरीदी थी 1972 के अंदर करीब 2.5 मिलियन रुपीस देने के बाद। एज पर हर ऐसा कुछ भी नहीं है, राजा ने खुद डोनेट करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस जगह की जो वर्थ है वो 2.5 मिलियन से कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो बहुत चीज़ें जो अंदर रखी हुई हैं, जैसे पुराने ज़माने की गन्स रखे हुए हैं, ग्रेनेड्स रखे हुए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीज़ें डोनेट करी हुई हैं। एक रिपोर्टर था जो वॉर के टाइम में बांग्लादेश गया हुआ था, एंड उसने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, उस व्यक्ति से वो फ़ोटोज़ खरीदी गई थी, लेकिन जो कैमराज थे वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को दिया था कि ये लो तुम रख लो, जस्ट शो द पीपल। फिलहाल इतना ही था इस ब्लॉग के लिए, आई होप मज़ा होगा।